मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ कृषि विश्वविद्यालय परिसर में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि केंद्र की नींव रखी और पशु चिकित्सालय अन्वेषण एवं पशु प्रयोगशाला के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान संस्थान में अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी, कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह उपस्थित रहे। इस कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय राज्य में कृषि और पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में जरूरत आधारित अनुसंधान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित 13 अनुसंधान स्टेशनों और 8 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ विश्वविद्यालय पूरी तरह से प्रशिक्षण के बाद किसानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है और इस प्रकार कृषि विवादों को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायता करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतियों को तैयार करते समय अनुसंधान और विकास के विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक आर्थिक अध्ययन नीति निर्माता द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि हमारी आबादी का 90% कृषि पर निर्भर है और किसानों को कृषि कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर जोड़ा जाना चाहिए और कृषि समुदाय को जीरो बजट प्राकृतिक खेतों से बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने दृष्टिकोण का पालन करना है ताकि 2022 तक कृषि उत्पाद और हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय दो गुना बढ़ सके। हालांकि ये कार्य थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी हम इसे एक बड़े पैमाने पर प्राप्त करने के लिए निर्धारित हैं। उन्होंने जैविक खेती में नेतृत्व लेने के लिए सिक्किम राज्य के प्रयासों की सराहना की। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि जब मैं शिष्टाचार की भेंट के नाते प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली गया और उन्हें कहा कि हम थोड़ा हट करके चाहते हैं, मेरा लक्ष्य है कि 2012 तक 2022 तक हमारे किसानों की आय जो है वो दुगनी हो, हमारे किसानों की आय के साथ साथ में हमारा कृषि उत्पादन दुगना। और उसमें उन्होंने मुझे बात करते करते इस बात का जिक्र किया कि महामहिम राज्यपाल जी का जिक्र आया कि उनके भी बहुत रुचि का विषय है, आपको बहुत मदद मिलेगी उनसे, अब बैठिए बात करिए और बात करके इस विषय को आगे बढ़ाइए। एक छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश जिससे देश को कल्पना, जिसको देश को एक उम्मीद है कि किसी एक फील्ड में किसी एक जगह को जाकर के हमारा ये छोटा सा प्रदेश जो है वो आगे बढ़कर के एक एक दिशा दे सकता है, पूरे देश को दिशा दे सकता है। सिक्किम बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन जैविक खेती के क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, उस काम को करते करते आज जो देश में सबसे अग्रणी प्रदेश हो गया। और उसी दृष्टि से मैं महसूस करता हूं जहां सिक्किम पहुंचा है उससे पीछे हम नहीं रहने चाहिए, हमको विवाह करता हूं। और आने वाले समय में मैं इस बात को लेकर के महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से हम जो है वो इस क्षेत्र में जो शून्य लागत प्राकृतिक कृषि का हम जिक्र कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ करते हैं, उस मुकाम को हासिल करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने वैज्ञानिकों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती के प्रचार और प्रसार में भरपूर योगदान देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि रसायन और जैविक खेती दोनों आर्थिक रूप से किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, वहीं रासायनिक उत्पादों के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और लोग अनेक तरह की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, वहीं जैविक खेती के लिए भी किसानों को काफी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती से गांव का पैसा गांव में रहेगा और शहर का पैसा भी गांव में आएगा, वहीं इससे सड़कों पर लगातार बढ़ रही आवारा गाय की संख्या में भी कमी होगी। इस विधि की खेती में देसी गाय लाभकारी रहती है और एक गाय से 30 एकड़ भूमि में खेती की जा सकती है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस विधि के प्रचार में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उत्पाद बढ़ाने किस योजना में ये विधि सबसे अधिक कारगर साबित होगी, वहीं इससे पैदा होने वाली फसलों में लोगों को नुकसान भी नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि 2022 तक भारत के किसान की आय दुगनी होनी चाहिए और इस दिशा में पूरे भारतवर्ष के कृषि विश्वविद्यालयों के अपना कुलपतियों की बैठक वो कई बार ले चुके हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं इस दिशा में। तो ये आय दुगनी कैसे हो सकती है, इस पर थोड़ा सा चिंतन हम करते हैं। 60 के दशक में भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आई कि हम भारत के लोगों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे थे। तो उस समय हरित क्रांति आई जिसमें यूरिया, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड इनका प्रयोग हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, वो समय की मांग थी, वो आवश्यक था उस काल में और हमारे एग्रीकल्चर के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा योगदान इस दिशा में दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और उस प्रॉब्लम से हम उबर गए। अब दूसरी बात, हमने जिस ढंग से इस दिशा में बहुत तेजी दिखाई अब उसके दुष्परिणाम आपके सामने, मैं आंकड़ों के साथ बोलूंगा। आपसे ही मैं पूछता हूं, जितने यहां साइंटिस्ट बैठे हैं, जब हमने प्रारंभ में रासायनिक खेती शुरू की तो पर एकड़ में 20 से 25 किलो यूरिया डालते थे, उत्पादन बहुत बढ़ता था, उत्पादन पर्याप्त बढ़ता था। आज के दिन हरियाणा पंजाब में एक फसल की बात करता हूं 5-5 बैग डाल रहे हैं, उनका प्रमाण सबसे बड़े डॉक्टर प्रोफेसर सरियाल हैं, ये हरियाणा में ही रहे। जो बात मैं कह रहा हूं, जो काम 22-23 किलो यूरिया करके उत्पादन बढ़ाता था, आज 5 थैले डाल के भी उत्पादन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। इसे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध यह हो गया कि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है, वो बंजर होने की दिशा में बढ़ रही है। तो एक बात, दूसरा, इस पद्धति में पानी की जो खपत है वो बेहिसाब है, बहुत पानी इससे लगता, यूरिया डीएपी आग पैदा करता जमीन में, उसको बुझाने के लिए पानी की खपत है। हमारे हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में 20-25 साल पहले 25 फीट पे पानी था जमीन के नीचे, इस समय 150-200 फीट नीचे चला गया है, 150-200 फीट। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने जा रहे हैं ये सोचिए।